हाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ गेहूं के आटे की गुलगुले। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कितना स्पंजी और कितना क्रिस्पी दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल में 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है और ड्राई फ्रूट लिया है, 1 टीस्पून सौंफ ली है और 2 इलायची ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप जितना गुड़ डालेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करना है हमको। और मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाला है। अब धीरे धीरे पानी डाल के हमको इसका बैटर तैयार करना है। और 2 घंटे तक हमको इसको ढक के रख देना है और बीच बीच में उसको हिलाते रहना है। और हमारा बैटर रेडी हो गया है। इसमें मैं खाने में यूज़ होने वाला सोडा डाला है। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, हमको हाथों से ही इसमें डालना है और ये अपने आप धीमे धीमे फूल के ऊपर आ जाएगा। देखिए कितना फूले फूले लग रहे हैं हमारे गुलगुले। हमको इसको ब्राउन होने तक तलना है जिससे हमको खाने में क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगे। देखिए अब हमारा हो चुका है। अब मैंने एक डिश में निकाल लिया है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ।